वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे अल्लाह आप सबको हर तरह की मुसीबत से महफूज रखे आमीन जुमीन तो सबसे पहले तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक क्योंकि हम आपको आज जो क्लिप्स सिखा रहे हैं ये है उनतीस और तीसरे रोजे के बीच छोटे छोटे से क्लिप्स हमने लिए हुए थे तो वो भी है और लिख के भी हैं चांद रात की जो जो चीज़ें की ब्लॉग तो जल्दी डलना चाहिए था लेकिन मसरूफी की वजह से है हमने आज इसको अपलोड करा है क्योंकि तो आपको पता है कि यहीं पर कितने काम होते हैं और फिर आना जाना मेहमानों का ये सारी चीज़ें तो इसमें जो है बंदा बहुत बिजी होता है तो बस इस वजह से हम जो है ना ना एडिटिंग कर पा रहे थे और ना ही वक्त पर वीडियो डल पाई तो ये जो है ना ये पहली उनतीसवें रोज़े की रफ्तारी की इन्होंने ना आधे घंटे पहले बोला कि अम्मी हम लोग खुद जो है ना दही बड़े छोड़े जाना निकाल के जल्दी जल्दी करेंगे मैंने कहा आधे घंटे में तुम लोग सब ये देखे आपके सामने आधे घंटे में इन लोगों ने सब कुछ जल्दी जल्दी किया और हाँ, हमने बोला हम हम भी 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 से नहीं घोल के रखा और तुम कैसे करोगे तुम तो, नहीं नहीं वो तो है। समोसे भी बने हुए थे बस फ्राई करने आधा घंटे में ना सारा काम करना आसान नहीं होता क्योंकि इन्होंने आलू भी सी वक्त काटे और जो है फ्राई भी सब मुनसिफ को भी खुद ही देखा क्योंकि उस दिन मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी तो बस ईद का दिन था मतलब दो दिन मादी थी तो बस तो सारे साथ चाई भी तो ये बेड शीट्स वगैरह चेंज करनी थी जो दूसरे काम थे वो सब करने थे तो एक दिन और मिल गया ना जब उनतीसवें रोजे कुछ जब चांद कालान होने वाला था तो मैं यही बोली थी एक दिन और मिल जाए में बाकी काम भी सारे हो जाएंगे दोबारा से जो है ना मैंने ये कर्टन चेंज कर लिए जो नेट वाले थे वो हटा के ये वाले नेट के दोबारा डाल दिए क्योंकि ना ये नेट वाले जो कर्टन्स होते हैं ना उसमें बहुत जल्दी डस्ट आ जाती है बहुत ज़्यादा मतलब ख़ास तौर पर नुमायाँ हो रही होती है ये देखें ये इसमें आपको ना नुमाया हो रही होगी तो इसको जल्दी जल्दी ना चेंज करना पड़ता है और फिर ये वॉश करने में भी बहुत आसानी से वॉश हो जाता है आसानी के साथ ना क्योंकि ये नेट होती है ना तो मैंने इसको भी चेंज कर दिया अब ये क्या बाकी कमरे की भी साफ़ सफ़ाई कर लेते ठीक है और ये वाला भी चेंज कर लेते उसके बाद जो है दूसरे रूम्स को भी देखना है उनका भी काम करना है क्योंकि कल तो ईद होनी है लाजमी लाजमी तो चलें पहले इस कमरे को क्लीन करते उसके बाद बाकी कमरों की बारी आई है तो देखिए इसमें इतनी डस्ट हो रही है जबकि मैंने ना बिल्कुल एक महीना भी पूरा नहीं हुआ होगा जब मैंने ये चेंज किए थे और एक महीने में जो है न सारी डस्ट इसमें आ गई है अच्छी खासी ना तो इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है और ना वो डस्ट जो है ना झड़ती रहती है जब जब हम डस्टिंग करते हैं देखें डस्ट की वजह से कितना धुंधला धुंधला लग रहा है तो बस इसको ना ये है कि ये हल्के से है ना तो आसानी से वॉश हो जाते हैं तो चलें अब इसको भी हम उठाते हैं से समेटते हैं सारा इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है और मैं नेट के ही डालती हूँ क्योंकि यहाँ मिट्टी इतनी आती है पार्क है सामने तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है ना और सोफों को भी इसीलिए सेफ रखने के लिए इस पर कवर डाल के रखना पड़ता है तो बस ये फिर मैंने चेंज कर दी मैंने कहा अभी दूसरे वाले नेट के पर्दे लगा दिए जो से सोफों से मैच होते हैं ना वो वाले फिर हमने इस पर लगा दिए थे और ये आसानी से भी धुल जाते हैं क्योंकि बहुत हल्के से होते हैं ना नेट के इस वजह से फिर ये जो है तीसवें रोज़े की रफ्तारी है इसमें हमने सोचा था आज हम बहुत कम बनाएंगे लेकिन नाना नाना करके भी बहुत सारी चीज़ें हो गई और ये जो है बिरयानी आप देख रहे होंगे तो ये हमारे नेबर्स से आई थी दोबारा अफतारी आई थी उन्होंने इस दफ़ा बिरयानी दी पहले रफ्तारी दी थी और अभी बिरयानी दी और माशा बहुत अच्छी बिरयानी थी सबको बहुत पसंद आई माशा बहुत शुक्रिया आपका और जो है बस फिर रोज़ा खोलने के बाद आपको पता है फिर वही बात है कि कल तो ईद होनी होनी है काम बहुत ज़्यादा थे और जल्दी जल्दी काम करने थे तो बस बच्चों ने अफतारी के बाद जो है बस अफतारी के बाद तो हमने जो है काम शुरू कर दिया था जल्दी जल्दी के सफाई कर लें या मेरी टेबल शीट का क्या हाल हुआ है तो उसके बाद हमने फिर टेबल शीट ऊपर कवर की हाँ इस दफ़ा ये वाली जो शीट ली थी ना हमने इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा बच्चों को भी मुझे भी और मैं इसी तरह का मतलब लेती हूँ कि एक तो रूम रूम से मैच हो जाए दूसरा जो है हमारे जो इसमें टाइल लगे हुए ना काउंटर पे सामने किचन के तो उसमें भी इसी तरह के प्रिंट कलर आ रहे हो जो टेबल पर हमारी प्लास्टिक डली हुई हो तो वो ना मैचिंग सी हो जाती है ज़रा अच्छा सा लगता है तो बस इसी तरह की मैचिंग लगाएँ तो कमरा ना अच्छा सा लगता है तो बस बच्चे यहाँ पर जो है ये प्लास्टिक वगैरह बिछा रहे थे मैं अपने दूसरे काम कर रही थी और इसी में अचानक से मुझे मार्केट भी जाना पड़ गया क्योंकि वो एक बेड शीट में जो है कवर जो है उसका ना थोड़ा त, आ, कलर जो है ना चेंज लग रहा था वो शायद दूसरी बेड शीट का कवर उन्होंने रख दिया था उसी की सेम ब्रेंट जैसा ना लेकिन कलर में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा था तो मैंने कहा अच्छा हो ये अभी हम लोगों ने देख लिया और मैंने कब से लेके रखी हुई थी लेकिन जो है वो ख्याल ही नहीं रहा कि हम देखते उसको और पहले ही चेंज करा लेते ये तो जब बेड शीट बिछा रहे थे तो पता चला तो बस ये कि फिर मुझे मैंने कहा चलो जल्दी से इसको भी हम चेंज करा लेते ताकि जो है ये भी अभी हम इसको भी बेड शीट को भी लगा देंगे तो बस मैं वहाँ चली गई थी बच्चे अपने काम पर बिठा रहे थे और मुझसे को देखा आपके तो मज़े से जो है हर चीज़ इंजॉय कर रहे हैं और हर जगह उनको देख रहे हैं चढ़ के कि अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है अब वहाँ पे क्या काम हो रहा है जब ऊपर उठना चेयर पे चढ़ के तुम तो कुछ कर करी थी ना वो के पास तो ये उधर भी चढ़ गया और बोले मुझे भी ये सब दिखाओ उन उन्ना मुझे उन मुनुनू को दिखाओ था मुन्नु <laughs> को, दिखा। को उठा के दिखाओ ऊना बेबी को उठा के दिखाओ मुनु को उठा के दिखाओ बेबी को उठा के दिखाओ तो ऐसे ऐसे बोलता है तो बस फिर इस तरीके से जो है बीच बीच में इनके साथ साथ ही रहता है बस ये कि ध्यान रखना होता है कि कोई उल्टी सीधी चीज़ जो है ये बस हाथ में ना ले लेना तो क्योंकि अभी छोटा है ना और उसके बाद जो है ये लोग मेहंदी लगाने बैठ गए थे मेहंदी बड़ी मुझे बारी। 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 बहुत अच्छे लगते हैं इनके मेहंदी के डिज़ाइन ये है कि इतनी लेट हो गई रात को मेहंदी लगाते लगाते काफ़ी टाइम हो गया था और मैंने पांच तो, तो, बची तो ये मेरे इतना पीछे पड़ी रहती है मैं आप मेहंदी लगाएं लेकिन मुझे कोई खास पसंद नहीं है लेकिन हाँ जब लगाओ तो बहुत अच्छी लगती है हाथ पे मेहंदी लगाओ ना तो बहुत ज़बरदस्त आती कलर भी बहुत अच्छा आता है और लगती भी बहुत अच्छी है लेकिन ये कि मुझे उतना खास शौक नहीं है ख़राबा क्या किया सही तो है वो असल में उसमें हाथ वॉश कर लिया मैंने कहा तुमने पहले से क्यों वॉश किया तुम जो है पहले अच्छी सी वीडियो बना रही थी तो बस इसी वजह से वो ना हाथ पे जो लग रहा है ना पानी ही वो वॉश करने का था और बस ये ईद वे दिन का सुबह का व्लॉग है हम लोग नाश्ता कर रहे थे और है ना रोजे रखने के बाद एक तो समझ में नहीं आता कितना लाइट सा हाँ एक ना? तो ना समझ में नहीं आता तो क्या खाया मैं तो बोलती चाय ब्रेडी खा लेते हैं लेकिन फिर अच्छा भी नहीं लगता ना कुछ हो तो रात में जो है थोड़ी सी कलेजी भी बनाई हुई थी भुनी हुई वो थी रखी हुई अवतारी में ही बनाई थी इनके बाबा को खानी थी लेकिन उन्होंने खा ही नहीं ज़्यादा तो वो भी थी और मैंने जो है अंडे फ्राई कर लिए थे और ये भी सब इतना सा होने के बावजूद ना ये भी बच गया था और फिर सुबह सुबह मामू भी आ गए थे इनके छोटे वाले मामू तो वह सुबह आते नहीं है लेकिन जो है वो नमाज हाँ असल में वो फर्स्ट टाइम हाँ नमाज पढ़ने मतलब सब पूरी फैमिली नमाज पढ़ने गई थी ना लेडीज़ भी जाती है मस्जिद में कहीं होता है इंतज़ाम तो वो फिर डायरेक्ट जो है हमारे यहाँ आ गए थे तो फिर हम लोगों ने तो हाँ सार नाश्ता किया फिर मैंने और जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया लेकिन ये था कि हाँ वाकई पता होता तो मैं कुछ और भी बना लेती नाश्ते में ना हलवा वगैरह कुछ और भी चीज़ें बना लेती तो मैं उन पर यही वो सॉरी थी कि बताया नहीं पहले से बता देते तो बस उन लोगों ने भी ऐसे ही खाया मैंने बस अंडे फ्राई कर लिए थे जल्दी जल्दी वो लोग भी चले गए फिर और फिर मैंने दोपहर में जो है ना वही बार बच्चों के साथ अम्मी अभी नहीं बनाए कुछ नहीं बना तो मैंने कहा नहीं कुछ तो पकाना है तो फिर मैंने जो है बना हुआ कीमा बना दम का कीमा इसको कहते हैं वो बना लिया था इसकी वीडियो नहीं बनाई तो इन इसकी भी वीडियो मैं आपके साथ बनाऊँगी कभी शेयर करूँगी और इसके साथ पराठे बना लिए थे और यहाँ पर जो है बच्चे बस फिर आराम कर रहे थे क्योंकि ईद वाले दिन जो है ना सुबह उठने के बाद पता नहीं क्यों इतनी नींद आती है सबको एक तो सोते ही देर में है फजर हो जाती है सोते सोते लेकिन फिर सुबह उठते हैं नाश्ता करते हैं हाँ तो इसी वजह से सबको नींद और मुझे खुद इनको क्या बोलूँ मुझे तो खुद इतनी नींद है लेकिन किसी को नहीं आनी थी नींद तो वो मुनसिफ था उसको नींद नहीं आनी थी उसने सोना ही नहीं था उसके साथ किसी एक को जागना लाजमी था तो बस वो एक एक बारी करके हम लोग सो रहे थे उठ रहे थे तो बस ये हुआ उस तरीके से हमारा जो है दिन गुज़रा फिर इसी तरह शाम भी हो गई और शाम में फिर हम लोग को जाना था मामू के घर जाना हाँ, हाँ तो था। फिर जो है वहाँ पर जाना था तो उनका जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस कर लें तो बच्चों ने वो भी जल्दी से कर लिए लेकिन जल्दी जल्दी करते भी हमें हाल में साढ़े सात हो गए थे निकलते हुए हम लोग साढ़े सात बजे के बाद निकले थे फिर हाँ। मैं जाके बच्चों को देखती हूँ और मुझसे फिर अपनी टोपी और चश्मा सब कुछ उतार के रखा उसमें कुछ दूसरी पहनना बस अभी हम जा रहे हैं मामू के क्या है? मतलब बच्चों के मामूठे मेरे भाई तो वहां के तो वहाँ जाने की तैयारी और मैंने पहना है लौट का सूट हो गया ईद और दिन ना मुझे ख़ासतौर पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि गर्मी होती है ईद से ना गर्मी बहुत शदीद बढ़ जाती है तो मैं लौट ही पहनती हूँ कोई भी फैंसी सूट नहीं पहनती तो ये मैंने सिपायर का पहना है और ये देखें ये होकर के भाग गया लो की भी तैयारी देखी और हमें बस मैं बोली थी। कर लो जल्दी मामूल मामूल वही जुमला स्ट्रेट कर जो हाँ स्ट्रेट करने में उनको पहले ही करी थी देखो चांद रात पे कर लो ये सारे काम अच्छा चेंज करा के ना मैंने ये वाली बेडशीट ली थी अच्छी लग रही है ना इसका कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये लाइट भी है और डार्क भी है पहले वाली भी इसी तरह की थी थोड़ा सा मतलब उसका प्रिंट चेंज था लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ये थोड़ा डिफरेंट सा नया सा लगा बेल इस तरह से आ रही थी तो खैर फिर मैं इनके पीछे पड़ी रही मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लो मगर इनका वही काम है हर काम स्लो स्लो करना बस हम लोग पहुँचे हाँ साढ़े सात हाँ साढ़े सात के, के, हाँ, निकले के निकले बाद पहुँचे लेट तो बहुत हो गया था लेकिन ये है कि चले फिर बस यहाँ बातें बातें बाते चलती रही काफ़ी देर बातें बातें की और फिर उसके बाद खाना खाया हजबैंड मामूल जो होता है खाना खाने के बाद फिर जो है अच्छा मुनशिफ़ का तो बस अलियान नहीं थे अलियान गए हुए थे वो भी अपने पोपो वगैरह के घर गए हुए थे तो उनसे को इतनी याद आ रही पहले तो शुरू में उदास रहे हाँ लेकिन ये कि बच्चे इतना बोल रहे हैं कि आ जाओ हमारे साथ खेल लो खासतौर पे छोटी छोटी बच्चियाँ जो है ना इनका ग्रुप है तीन बच्चियों का तो ये मेरी भतीजियाँ है ना छोटी तो ये इतना पीछे पड़ी हुई तो उनमें से ये एक के पीछे ऐसे पकड़ लिया था बस हाथिया का बस जो है ना उसी के साथ जो है ना दोनों बाकी दो के साथ भी खेल रहे थे लेकिन ये किसी एक का पीछा पकड़ लेना उनसे तो फिर छोड़ता नहीं है बाजी ये बाजी वो बाजी वो पूरा आए आए वक्त तक जो है ये हाथिया का दिमाग खाता रहा और उसका हाथ पकड़ पकड़ के जहाँ जा रहा है उसको दिखा रहे हैं ले जा रहे हैं और ये सब कुछ करता रहा और उसके बाद जब अलियान आ गया तो अलियान को देख के तो उनसे इतना खुश कि अलियान आ गया अलियान लेट आए थे तो अलियान को देख कर तो बस बहुत खुश हो जाता है तो ये कि ना ये बहुत कम बच्चों से फ्री होता है फ्री से वैसे सब से हो जाता है खेलता है कूदता है सब कुछ, कुछ करता है देखे देखे एक, एक आद कोई ऐसा खास बना लेता है बच्चा जिससे ये इतना अटैच हो जाता है के भूलता नहीं है कि हाँ भाई मुझे इसके साथ खेलना है और यार खाना खाने में से इतना तंग किया इतना तंग किया नहीं खा रहा था बिल्कुल भी बस लेट हो गए थे हम लोग रात बहुत हो गई थी घर वापस आने में और इनके बाबा और दादी जो थे वो घर पर थे तो उनके लिए भाभी ने काफ़ी सारा खाना दे दिया था कि वो अगले दिन हम लोगों को जो है ना माशाल्लाह दोपहर तो में ही खाना पड़ा और खाना वाकई बहुत अच्छा बना था और बहुत मज़े का था साथ में कोल्ड ड्रिंक भी दे दी थी उन्होंने जबकि उसकी ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन फिर भी इन्होंने दे दी कि चलो जब खाना दिया है तो कोल्ड ड्रिंक भी साथ में दे दें तो बस उसके बाद देखें आप इतनी रात हो गई है और उस वक्त टाइम हो रहा था तकरीबन पौने बारह या बारह बज रहे थे और बस उसके बाद जो है फिर हम लोग अपना कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे और मैं बहुत दिल चाह रहा था कि चाय पीऊँ तो बच्चों ने मुझे चाय बना के दी और उनसे जो है अपने पापा बाबा के साथ खेलने में लग गए थे कुछ टाइम उन्होंने खेला और उसके बाद वो सो गए थे तो उम्मीद है आज की वीडियो आज की ब्लॉग आपको पसंद आएगा इन फिर आएंगे नई वीडियो लेके नए ब्लॉग्स लेके अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा मिलते हैं अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़ और एक बार फिर आप सबको फूड एंड होम ब्लॉग की तरफ से और किचन विद मज़ा की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो